करेले ढूंढने के लिए, जंगल वाले करेले। इतने बड़े धान हो गए और इसमें भी पापा है, लोग हैं पापा। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई हूँ बच्चों, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और मैं आई हूँ अपने दूसरे वाले गांव में। और यहाँ लगे हैं देखो धान, ये है धान। और यहाँ पे देखो सरकारी पानी की टंकी लगी है, सौर ऊर्जा से चलेगी, यहाँ लाइट वाइट तो है नहीं तभी। और यहाँ पे रखते हैं हम इसके ऊपर, सारी लकड़ी बिछा के इसके ऊपर पराल रखते हैं इसका जो होता है। और ये हमारा मकान है दूसरा वाला, एक ये है। बरसात में ख़राब हो गए, जब बरसात हो जाए, क्या बोलते हैं, पूरी हो जाएगी, तो उसके बाद यहाँ पर पूरे में लिपाई होंगे। और ये वाली हमारी दीवार भी टूट गई है, इसलिए सारा ऐसा फेंका हुआ है, अभी कुछ संभाला नहीं है। ये रूम है और इस साइड में हल्दी वल्दी लगी हुई है। और इसके ऊपर सोते हैं, इसके ऊपर सोते हैं। और इसके नीचे है रसोई हमारी, इधर बैठे हैं पापा। पापा हेलो बोलो, हाथ हिलाओ अम्मी। सो गाइस, आप भी पी लो चाय। और यहाँ पे अम्मी तो मछली बनाने की तैयारी कर रही हैं, आज पापा और अम्मी मछली खाएंगे, मैं तो खाती नहीं हूँ। सो गाइस, पूरे 2 महीने के बाद मैं अपने गांव में आ रही हूँ, जब धान लगाए थे रोपाई उसके बाद गई थी, फिर मैं अब आ रही हूँ। और ये देखो, ये भी पूरा नहीं बना था, इसके नीचे लिपाई नहीं हुई थी। बैक कैमरे से दिखाती हूँ, इतने बड़े धान हो गए और इसमें भी पापा है, लोग हैं पापा और अम्मी ने पूरी लिपाई कर दी है। ये पूरा मस्त बना दिया लिपते, इधर पापा लेटते हैं। ये खेतों का चौकीदारा करते हैं इसलिए ये बनाते हैं जरूरी। इसके ऊपर घास है और इसके पीछे नदी आती है यहाँ पे को। पापा पापा इधर देखो, एक बार मेरे को मिस करा नहीं करा बताओ, मेरे को याद करते थे नहीं, जोर से तो बता दो। तो दोस्तों, मैं आई नहीं हूँ करके 2 महीने में, पापा मेरे को फ़ोन भी नहीं करे, नहीं आती हूँ करके। आज पापा घर गए थे तो और मेरे को भी ले आए। यहाँ पे हमें पीस रही हैं मसाले। और इतनी सारी चिड़िया बोल रही हैं। अभी मैं जा रही हूँ अपनी गौशाला में और यहाँ पे हम मिलाएंगे आपको एक, हमारे वहाँ नई पड़ी आई है, ये नई आई है। मोटे मुँह की है ये, मोटे मुँह की। अरे ये तो पुरानी वाली है, उसका नाम पापा ने बाबा रखा है। और ये भी है, और ये वाली है ना, ये ऐसे कूदने में रहती है, इसको इतने डर लगते, पता नहीं क्या होता है, ये कूदबैक से अपना हाथ लगाऊंगी तो ये कूदेगी, ये ऐसे ही कूदती है, ये डरती है। और बड़े जानवर सारे गए हुए हैं जंगल के लिए। और यहाँ पे लहसुन है और ये इससे धुमा धुमा इसलिए लगाते हैं, मच्छर और मक्खी ना लगे करके। और इस साइड में हमारा घास, इसमें कटेगा फिर उसकी बनेगी कुट्टी।
और इधर पे लगाई है मैंने मिर्च, मैं ही लगा कर गई थी गाइस, पड़ोस में मामा लोगों के वहां से लाई थी, फिर लगाई थी इधर भी लगाई थी। ये तो छोटी रह गई, बस एक ही दो बड़े हैं ये, और ये पुरानी वाली है। और इस साइड में हमारा बर्तन रखने वाला। आंधी आई तो पूरे में पत्ते ही पत्ते हो गए। पापा अब जंगल जाने की तैयारी कर रहे हैं, पापा के सारे कपड़े भी फट गए और मम्मी के मसाले पिस गए। सो गाइस अभी मैं आई हूँ अपनी गली में करेले ढूंढने के लिए, जंगल वाले करेले। बेल तो मेरे को मिल गई पर यहाँ पे करेले हैं नहीं है, देखते हैं। ये तो बेल है, करेले ढूंढो, एक मिला बस। सो गाइस मैं गई थी धुमे के लिए लकड़ी लेने, वहां से मैं आ गई। अभी बजने वाला छत और अम्मी ने इतना घास काटा हुआ। ट्राइपॉड में हम लगाते हैं फोन के, घास काटते हैं। अम्मा हेलो बोल दो। हेलो। और ये है कालू। आमा क्या बोलते हैं इसे? पाखर। पाखर गाइस ये है पहाड़ी फल पाखर। सो गाइस इतना कट गया है सारा। सो गाइस हमने काट दिया सारा। सो गाइस इतने करेले और मिल गए हैं हमको, मेरे लिए तो हो जाएगा, थोड़ा और है यहाँ पर, इतने में मेरा हो जाएगा। प्याज डालेंगे और टमाटर, पूरी सब्जी बन जाएगी। सो गाइस यहाँ पे हमें बना रही हैं अभी करेले मेरे लिए, और मछली तो काफ़ी देर पहले बना दी थी। सो गाइस अब रोटी बनानी बची है, फिर अम्मी बनाएंगे अभी रोटी, आज वो ही खिलाएंगे पका कर। काफ़ी दिनों के बाद, 2 महीने के बाद अम्मी के हाथ पर खाना खाएंगे। सो गाइस मैंने सोचा कि हम गूंथ देते हैं आटा, इतनी हेल्प कर देते हैं अम्मी की। अच्छा तो गाइस अम्मी बोल रही है ऐसा बोल, पापा साथ ही डाल रहा है, और यहाँ पे कुर्सी में आराम से देखो बैठी हुई है, बता रही है मेरे को कि ऐसा बोल करके। खाना तो बन गया है और यहाँ पे पापा भी खा रहे हैं। सो गाइस इस ब्लॉग को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करना जरूर करना। फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ।